और साउथ अफ्रीका लगभग 10 साल बाद एक टेस्ट मैच खेलने वाली है और कैप्टन कौर की टीम इंडिया अपना इनक्रेडिबल टेस्ट फॉर्म बरकरार रखना चाहेगी। हाय, दिस इज निशा मानकर, वेलकम टू विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू। जून से 9 जुलाई तक इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई टेस्ट मैचेस और टी20आई खेले जाएंगे, और ये मैचेस कब और कहां खेले जाएंगे ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और विमेंस क्रिकेट जोन को फॉलो करना मत भूलिएगा। इस ऑल फॉर्मेट सीरीज की शुरुआत बेंगलुरु में 13 जून से वार्म अप वनडे मैच से होगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 ओडीआई मैचेस 16 जून से शुरू होंगी और 23 जून तक बेंगलुरु में खेली जाएंगी। उसके बाद फुल डे टेस्ट मैच 28 जून से 1 जुलाई तक और फिर 3 टी20आई 5 जुलाई से 9 जुलाई तक चेन्नई के स्टेडियम पर खेली जाएंगी। हम देख रहे हैं कि विमेंस क्रिकेट मुंबई और नवी मुंबई से बाहर जा रहा है। जैसे WPL के दोनों लेग्स बेंगलुरु और दिल्ली के स्टेडियम पर खेले गए थे और अब इस सीरीज के ओडीआई मैचेस बेंगलुरु में, उसके साथ टेस्ट मैच और टी20आई चेन्नई में खेले जाएंगे। दोनों टीम्स के रीसेंट फॉर्म्स की बात करें तो इंडिया 5-0 से बांग्लादेश के अगेंस्ट स्वीप कर आ रही है। टेस्ट मैच की बात करें तो लास्ट ईयर दिसंबर में हमने देखा ही था, इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होम टेस्ट मैच में काफी डोमिनेटिंग वे में बैक टू बैक 2 हिस्टोरिक विंस हासिल की थी। साउथ अफ्रीका की टीम पर नजर डालें तो उनका फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है क्योंकि वो अपने होम में श्रीलंका से टी20आई हारे और फिर ODI ड्रॉ किया, लेकिन उनकी कैप्टन लॉरा वुल्फार्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने इसी साल फरवरी में अपना लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला जहां उन्होंने बहुत बुरी तरह से हार का सामना किया। साउथ अफ्रीका अपने अपकमिंग इंडिया टूर में अपने फॉर्चून्स जरूर चेंज करना चाहेगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेली गई है। पहली मैच खेली गई थी 2002 पाल में जहां इंडिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की। दूसरी मैच लगभग 10 साल पहले मैसूर में खेली गई थी जहां कैप्टन कौर के परफॉर्मेंस के चलते इंडिया ने एक शानदार जीत अपने नाम की। क्या इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी टेस्ट मैचेस में जीत बरकरार रख पाएगी? आपको क्या लगता है ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे विमेंस क्रिकेट जोन प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू में।